जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे तुला राशि के बारे में, यानी तुला राशि वाले अपने जीवन में क्यों परेशान रहते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, वायु तत्व प्रधान राशि है। तुला राशि वाले बहुत ही संतुलित और ऊर्जावान होते हैं। ऊर्जा के विशाल भंडार का सूचक है तुला राशि। राशि चक्र की सातवीं राशि है तुला राशि। तुला राशि वाले अपने घर परिवार में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने ऑफिस में, अपने चारों ओर संतुलन में बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ संतुलन में कैसे रखा जाए, चाहे वो घर हो चाहे उनके कार्य क्षेत्र की जगह हो। तालमेल रखना चाहते हैं, बहुत ही व्यवहारिक समाधान निकालते हैं, क्योंकि बहुत ही ऊर्जावान होते हैं, बहुत ही फुर्ती से कार्य करते हैं और इस चक्कर में तो अपने आप को कई बार इतना थका लेते हैं कि जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं। मूड उनका हमेशा अप एंड डाउन वाला रहता है, कभी बहुत पॉजिटिव और कभी बहुत नेगेटिव। शुक्र इनका प्रमुख ग्रह है, क्योंकि शुक्र राशि स्वामी है, जो प्यार और इच्छा का कारक है, रोमांस सुंदरता और प्रेम का कारक है, आदर्श प्रेम का प्रतीक है, साथी का प्रतीक है। हालांकि जरूरी नहीं है कि आपका शादीशुदा रिश्ते से ही पार्टनर आए, कोई भी पार्टनर हो सकता है, व्यापारिक पार्टनर हो सकता है, प्रेमी प्रेमिका हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है। प्रेम के मामले में अपनी दिशा तुरंत बदल लेते हैं, किसी भी समय अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं और किसी भी समय पूरी तरह निष्क्रिय हो जाते हैं। बुद्धिमान और ईमानदार, संघर्षपूर्ण स्थितियों में भी संतुलन बनाए रखने की क्षमता होती है इनमें, संपूर्णता सुंदरता और संतुलन को समझने की क्षमता होती है तुला राशि वालों में। तुला राशि वालों को यह पता होता है कि जीवन संतुलन ही जीवन का सच्चा अर्थ है। ये नेतृत्व करने वाले होते हैं, दूसरों को पता नहीं चलने देते कि ये उनको चला रहे हैं, ज़्यादा व्यवहारिक होते हैं और भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। तुला राशि के तालमेल सामंजस्यपूर्ण दुनिया में प्यार और सुंदरता एक दूसरे को समायोजित हैं। अगर ये किसी भी रिश्ते में पहले से हैं तो अपने इस रिश्ते को अच्छी तरह से चलने देने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। प्रेमी के रूप में अर्थपूर्ण और संतुलित होते हैं, अपने साथी को पूरी तरह से संतुष्ट रखने का प्रयास करते हैं। तुला राशि वालों का आकर्षण और समर्पण दूसरों के मुकाबले इनको अच्छा पार्टनर बनाता है। अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अपने सभी तरह के संसाधनों का प्रयोग करते हैं, मतलब सभी तरह से उनकी मदद करते हैं। सच्चे शुभचिंतक हो सकते हैं, अपने दोस्तों को केवल अच्छी सलाह देते हैं। भले ही इनके दोस्तों को लगे कि ये सलाह अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में इनको लगेगा कि नहीं, ये जो सलाह दी थी इन्होंने ये अच्छी है। दोस्तों के साथ कभी धोखा नहीं करते हैं। वायु तत्व है जिससे ये उत्सुक होते हैं, मिलनसार होते हैं, मानसिक रूप से बहुत सक्रिय रहते हैं। ऐसे सभी व्यवसाय जो इनको दिमाग से करने हों, लोगों से बातचीत करनी हो, उनमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं तुला राशि वाले। सलाहकार और कलाकार के रूप में भी अच्छी तरह से अनुकूल होते हैं इनके लिए ये व्यापार भी। आदर्शवादी, सलाहकार और कलाकार भी अच्छे होते हैं तुला राशि वाले। आदर्शवादी न्यायप्रिय सोच की भावना से संपन्न होते हैं, नेतृत्व करना जानते हैं। अगर कोई संगठन बनाना हो तो संगठन के मुखिया हो सकते हैं। संगठनात्मक भूमिका अच्छी तरह निभाते हैं, यानी किसी भी संगठन को चला सकते हैं, उसका नेतृत्व अच्छी तरह से कर सकते हैं। शांत स्वभाव, जोश से भरे हुए, धैर्यवान तुला राशि वाले स्वाभाविक रूप से अपने माहौल में संतुलन और तालमेल की तलाश में रहते हैं। अपने व्यक्तिगत आकर्षण के कारण ये आसानी से लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करना और उनके सहयोग के लिए तैयार रहना, ऐसे होते हैं तुला राशि वाले। कभी कभी तो अपना काम खराब करके भी दूसरों की मदद करते हैं। सामाजिक जीवन इनका बढ़िया होता है। इनमें से ज़्यादातर तुला राशि वाले अपने चाहने वालों और दोस्तों के साथ
अपनी बातें भी शेयर करते हैं। न्यायप्रियता कूट कूट कर भरी होती है, अन्याय बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते। ईमानदारी और निष्पक्ष कार्य करने की पद्धति में विश्वास रखते हैं। कोई भी कार्य हो मददगार साबित होते हैं, आपके साथ लग जाएंगे आपके कार्य करवाने में, और अगर कोई टीम है तो अपनी टीम के साथियों के लिए भी सहयोग करने से नहीं हिचकते, चाहे वो खुद बॉस ही क्यों ना हो, सहयोगी बन जाएंगे, सहयोग करेंगे आपका। कोई भी विवाद हो अच्छी मध्यस्थता करते हैं तुला राशि वाले, विवादों को शांत करने में बिल्कुल माहिर होते हैं, विवादों को अच्छी तरह से शांत कर सकते हैं। क्यों परेशान रहते हैं अपने जीवन में तुला राशि वाले? आकर्षक होते हैं, उदारवादी होते हैं, प्रेम से भरे होते हैं, समर्पित होते हैं, अच्छे पार्टनर होते हैं, फिर भी क्यों परेशान रहते हैं? प्रेम के मामले में बात की जाए तो प्रेम के मामले में परेशान होने का कारण इनका ये भी हो सकता है कि अपने प्रेम को ढूंढने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि इनको कैसा प्रेमी प्रेमिका चाहिए, कैसा जीवन साथी चाहिए, पूरा संतुलन वाला, तो ये क्या है कि उसको चेक करते रहते हैं कि जिससे अलग सामने वाला इंतजार करते करते थक जाता है और निराश हो जाता है। क्योंकि तुला राशि वाले लोग अपने प्रेम संबंधों में, अपने संबंधों में हाँ बोलने में बहुत समय लगाते हैं। हाँ, एक बार अगर इन्होंने अपना मन पक्का बना लिया तो फिर पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन इनको मन बनाने में बहुत समय लगता है, इस कारण रिश्ता टूट जाता है। एक प्रेमी के रूप में साथी खोजने के लिए बहुत महत्व देते हैं। प्रेमी प्रेमिका खोजना हो बहुत महत्व के साथ उसकी जांच परख करने के बाद ही हाँ बोलते हैं। तुला राशि वाले शुक्र स्वामी होने की वजह से इनमें समरूपता समरसता का गुण होता है। तुला राशि वाले लोगों के लिए यही बातें समस्या का कई बार कारण भी बन जाती हैं, क्योंकि ये प्रेम को गहराई से फिर नहीं समझ पाते हैं, अपने प्रेम को समझने में काफी समय लेते हैं जब ये समझ पाते हैं, इस तरह चीजें निकल जाती हैं और ये फिर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि हर चीज में अपने साथी को, अपने पार्टनर को, अपने प्रेमी प्रेमिका को, अपने जीवन साथी को संतुलित जीवन साथी चाहते हैं कि वो हर तरह से संतुलित हो, कहीं उसमें कोई कमी ना हो। ये सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है कई बार इनकी लाइफ में, और इस बात को लेकर फिर अच्छा साथी जब इनके हाथ से निकल जाता है तो ये फंसाते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, लोगों के साथ झगड़ा करने के में भी माहिर होते हैं, किसी भी बात को लेकर जल्दी ही झगड़ लेते हैं, जल्दी ही मान भी जाते हैं लेकिन झगड़ भी लेते हैं, क्योंकि अपने आप को साबित जो करना है, क्योंकि अपने आप को साबित करना है कि मैं सही हूं, इसके लिए झगड़ लेंगे। इसके अलावा आप कभी कभी तुला राशि वाले साहस के साथ किसी भी पोजीशन, किसी भी स्थिति का सामना करने के बजाय पीछे हट जाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सभी तुला राशि वाले होते हैं, जो भी बातें मैं बता रहा हूं ये सभी तुला राशि वालों पर लागू नहीं होंगी। गंभीर नहीं होते हैं कई बार किसी भी बात को लेकर, ज्यादातर तुला राशि वालों पर ये बातें लागू होंगी, गंभीर नहीं होते हैं किसी भी बात को लेकर, भाग्य पर छोड़ देते हैं, भाग्य के भरोसे हो जाते हैं कई बार, पूरी लाइफ की बातें नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अपने चारों तरफ संतुलन बनाने की कोशिश में परेशान रहते हैं, ये सही कर लूं, ये सही कर लूं, ये सही कर लूं, और परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। अगर कोई निर्णय लेना हो तो इनको चाहिए कि अपने संदेह करने की आदत से बिल्कुल बाहर निकल जाएं, वरना निर्णय लेने में बहुत देर लगा देंगे और देर हो जाएगी, क्योंकि ये हर बात पर संदेह करने की आदत जो होती है इनमें, बहुत जल्दी संदेह करने की संदेह में पड़ जाते हैं। तो कोई भी निर्णय लेना हो तो इन्हें अपने संदेह करने की आदत से बाहर निकलना जरूरी होता है, और अपनी बात पर कायम रहना। अगर कोई फैसला ले लिया तो उस पर पक्का तो होते हैं, लेकिन फिर भी इनको अपनी बात पर, कुछ तुला राशि वालों के साथ ये होता है कि अपनी बात पर मजबूती से के साथ कायम नहीं रह पाते, तो इन्हें अपनी बात पर मजबूती के साथ कायम रहना सीखना होगा, नहीं तो दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे। दूसरों की गलती भूलना, जो इनके साथ गलत करता है उसको कभी भूलते नहीं है, कभी माफ नहीं कर पाते हैं। माफ करो, भूलना सीखो,
क्योंकि आप अगर माफ नहीं कर पाएंगे, भूल नहीं पाएंगे, तो आप उनको ही हर समय याद करते रहेंगे, तनाव में रहेंगे, दुखी होंगे, और आप माफ भी नहीं करेंगे और भूलना भी नहीं चाहेंगे। तो आपको चाहिए कि किसी ने भी कोई गलती की है तो उसको भूलना सीखें और सामने वाले को माफ करना भी सीखें, नहीं तो फिर आप परेशान रहेंगे। और बात करें कि तुला राशि वालों को कब मिलेगा किस्मत का साथ, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है सफलता असफलता, सुख दुख, अमीरी गरीबी, जीवन मरण, लेन देन आदि को सभी को लोग भाग्य से, किस्मत से जोड़कर देखते हैं, और हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसकी किस्मत कब चमकेगी, आखिर कब होगा उसका भाग्योदय, कब उसकी किस्मत खुलेगी, अच्छा समय कब आएगा, उसके पास ज्यादा पैसा कब होगा। भले ही हमारा समाज कितना भी आधुनिक हो गया हो, पर फिर भी कहीं न कहीं लोग कभी न कभी ये बात जरूर सोचते हैं और किस्मत पर विश्वास भी करते हैं। तो बात करें कि भाई किस्मत कब चमकेगी, तो आपको कर्म प्रधान बनना है, आपके स्वामी शुक्र हैं, ईमानदारी से मेहनत करें, सफलता आपको मिलेगी। और रही बात किस्मत चमकने की, तो उस समय पर ज़्यादा ध्यान देना होगा जो समय आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, वो आपकी जन्म कुंडली से ही जाना जा सकता है, सभी की जन्म कुंडली अलग अलग होती है। और अगर सामान्य तरीके से बोलें तुला लगन वालों के लिए, सामान्य तरीके से सभी के लिए बोलें तुला लगन वालों के लिए, तो 24वां वर्ष, 25वां वर्ष, 31वां वर्ष, 32वां वर्ष, 33वां वर्ष और 35वां वर्ष, ये आपकी आयु के जो वर्ष हैं, तो इन वर्षों में आप ज़्यादा मेहनत करें और आपको सफलता भी ज़्यादा इन वर्षों में मिल सकती है। तो मित्रों, आज मैंने आपको तुला राशि वालों के बारे में कुछ बातें बतलाईं, कि ये सारी बातें सभी तुला राशि वालों पे पूर्ण रूप से प्रभावी होंगी ऐसा संभव नहीं है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।